आज अप्रैल महीने के आखिरी दिन 30 अप्रैल को सोने के भाव में करेक्शन आया। 24 और 22 कैरेट का गोल्ड 300 रुपए तक कम हुआ है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के संकेत और घरेलू फैक्टर्स के कारण गोल्ड अपने पीक से लगातार नीचे गिर रहा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को आगे भी मिल सकती है। सोने के दाम 300 रुपए तक कम हुए हैं। सोना चांदी आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव कम हुए। पिछले दिनों सोने चांदी में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें तो भाव क्या कुछ है, तो MCX एक्सचेंज पर आज यानी मंगलवार को 5 जून 2024 की डिलीवरी वाला सोना 301 रुपए की गिरावट के साथ 71,301 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से ट्रेड कर रहा है। सोने में आज सुबह से ही गिरावट देखने को मिली। सोना गिरावट के साथ खुला था। आज 5 अगस्त 2024 की डिलीवरी वाला सोना 274 रुपए की गिरावट के साथ 71,387 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चांदी की बात कर लें तो MCX एक्सचेंज पर आज यानी मंगलवार को 3 मई 2024 की डिलीवरी वाला चांदी गिरकर 80,298 रुपए पर किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं 5 जुलाई 2024 को डिलीवरी वाली चांदी 81,760 रुपए के लेवल पर है। इसी के साथ 5 सितंबर 2024 की डिलीवरी वाली चांदी आज 83,132 रुपए पर किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस की बात कर ले कि क्या कुछ है, तो आज मंगलवार को सोने की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक वायदा भाव 0.72% यानी के $17 की गिरावट के साथ $2,340.70 पर ऑन्स पर ट्रेड करता दिख रहा है। वहीं सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय लुढ़क कर $2,329.02 पर ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा। इसी तरीके से चांदी की बात करें तो चांदी के भी वैश्विक भावों में मंगलवार को गिरावट आई। कॉमेक्स पर चांदी का वायदा भाव 1.57% यानी कि $0.43 की गिरावट के साथ $27.23 पर ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी का वैश्विक हाजिर भाव $26,092 पर ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई, गिरावट के साथ खुला, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सोने के भाव लगातार बढ़त के साथ 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक ऊपर जा चुके थे, लेकिन अब गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ रही है। अक्षय तृतीया का भी मौका आ रहा है, तो इस लिहाज से भी इसको एक अच्छी खबर माना जा रहा है ताकि लोगों के लिए खरीदारी करना काफी आसान हो जाए। आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये गिरावट जारी रहेगी या नहीं रहेगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर दे, और अगर डेली बेसिस पर अगर आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।